चित्तौर और गोपी कृष्ण जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस जरीना वहाब लंबे समय तक पर्दे से दूर रहने के बाद अब वापस लौट चुकी हैं। उन्होंने 1974 में रिलीज हुई फिल्म इश्क 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 से डेब्यू किया था, जिसमें वह लीड रोल में नजर आई थी। जरीना वहाब ने जब बॉलीवुड में कदम रखा था, उस वक्त हीरोइन बनने के लिए गोरा रंग होना बहुत जरूरी था, लेकिन वह सांवली थी। सांवले रंग के चलते उन्हें कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा और फिल्मों में कदम रखना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। काम की तलाश में जरीना वहाब दिग्गज एक्टर राज कपूर के पास गई और राज साहब ने उनको देखते ही रिजेक्ट कर दिया। साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस से कहा था कि वह कभी हीरोइन नहीं बन पाएंगी। इस जिल्लत के बाद जरीना बुरी तरह टूट गई थी। जरीना वहाब ने फिल्म इश्क 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 से अपने करियर की शुरुआत की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म के बाद जरीना काफी चर्चा में आ गईं। उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। कई फिल्मों में आई नजर जरीना वहाब को चित्तौर फिल्म से लोकप्रियता मिली। इस फिल्म के बाद उन्होंने घरों द अनपढ़, सावन को आने दो, सितारा, नया और तड़प जैसी कई फिल्मों में काम किया। इसके अलावा वह यहाँ मैं घर घर खेली, तुम्हारी दिशा और ये जिंदगी है गुलशन जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। एक नज़र में ही भाग गई थी एक्ट्रेस। द कपिल शर्मा शो में बातचीत के दौरान जरीना ने अपनी पहली फिल्म को लेकर बताया था, किसी ने मुझसे कहा कि देव साहब अपनी फिल्म इश्क 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 के लिए कास्टिंग कर रहे हैं, तो तुम्हें वहां कोई रोल मिल सकता है। मैं तुरंत अपनी सारी फोटोज लेकर सेट पर पहुंच गई। बिना कुछ कहे बिना कुछ देखे देव साहब मेरे बगल से गुजरे और उन्होंने कहा हम साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना पता लिखकर वहां से चली गई। उन्होंने आगे बताया, एक हफ्ते बाद मुझे देव साहब ने मिलने के लिए बुलाया। मैं फिर अपनी तस्वीरों के साथ उनसे मिलने गई, लेकिन उन्होंने मेरे फोटोज देखी ही नहीं। उन्होंने कहा चेहरा फोटोजेनिक है, ये देखने के लिए फोटोज देखने की जरूरत नहीं है। एक्ट्रेस आगे कहती है, उन दिनों फिल्म निर्देशक की आंखें कैमरा जैसी होती थी।